हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। और हम फिर से खेलने जा रहे हैं रेसिंग लिमिट्स। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछली रेसिंग लिमिट्स की वीडियो में देखा था कि मैंने इसकी एक स्पीड टेस्ट किया था, और इस बार मैं करने जा रहा हूँ इसका ड्राइव इम्प्रेशन एंड रिव्यू। तो गाइस, जैसा आप जानते हो, ये है रेंज रोवर, देख लो गाइस, ये रेंज रोवर है। तो अब इसका मैं करने जा रहा हूँ ड्राइव इम्प्रेशन एंड रिव्यू। चलो गाइस, करते हैं इसका ड्राइव इम्प्रेशन। बात कर लेते हैं व्यूज़ की। तो भाई, ड्राइवर सीट से तो सब दिख जाता है, साइड का कोई भी एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, साइड मिरर, IRVM, ORVM सब एकदम परफेक्ट। लेकिन जब मैं IRVM पे देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ हवा में बैठा हुआ, इतना ऊँचा बैठा हुआ हूँ। लेकिन जब मैं ORVM में देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं किसी ऑर्डनरी से डैन या नीचे जिसका वो नीचे का कम होता है, हाइट कम होती है, उसमें बैठा हुआ हूँ। और स्पीड टेस्ट तो पहले कर चुके हैं, तो अब मैं हैंडलिंग की बात कर लेता हूँ। हैंडलिंग बहुत स्टिफ है इस कार की, मतलब जब मेरे को फास्ट घुमानी होती है अचानक से, बस अचानक से घूमती है, एकदम सॉफ्ट हैंडलिंग नहीं है, बहुत स्टिफ हैंडलिंग है, बहुत ही हार्ड हैंडलिंग है। और अब बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग भी इतनी खास नहीं है, शायद गाड़ी में वजन ज़्यादा है इसलिए इसकी ब्रेकिंग भी इतनी खास नहीं है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की पिकअप की। पिकअप भी इतनी कुछ खास नहीं है। तो अगर आप रेसिंग लिमिट्स खेलते हो और अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रेंज रोवर को लें। बल्कि जब से मैं BMW X1 चला रहा हूँ तो मेरे को तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि स्मूथ कार, और इसकी आवाज़ तो अच्छी कह सकते हैं, आवाज़ अच्छी है और ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छा है। और यही थी मेरी कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स कह सकते हैं आप लोग। फॉरन तो ऑर्डनरी है ही, थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए था इनको। तो जब अगर आपको गाड़ी लेनी हो तो मैं BMW X1 को पहले प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसकी पिकअप भी अच्छी है, उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए गाइस, आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको मिलती रही ऐसी एक्साइटिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस। बाय।